आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। वेलकम टू माय रेसिपी लाइफस्टाइल। और सब बताइए कैसे हैं, कैसा चल रहा है आप सबकी लाइफ में। आज का व्लॉग इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग से नहीं हो रहा है बिकॉज हॉलीडेज हो गई है। सारा रूटीन डगमगा जाता है बच्चों के हॉलीडेज होते हैं जब, एंड सो सब बस लेट 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 होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इवनिंग में स्टार्ट किया जाए। एंड अब मैं लगाने वाली हूँ, मैं करूँगी कपड़े वॉश, थोड़े से हैं तो मैं कपड़े डाल देती हूँ एंड एक साइड करती हूँ मैं किचन का काम और चलते हैं अपनी काम की ओर। ठीक है, ओके पापा। सो गाइस, अभी आ चुकी है गर्मियाँ। गर्मियों में कौन आइसक्रीम नहीं खाता, मुझे ये बता दो। मुझे जानना है कौन आइसक्रीम नहीं खाता गर्मियों में। हम तो खा रहे भाई मस्त मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम कूल कूल। यस, मायरा बेबी की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है एंड ये अब इंजॉय करना इसने तो स्टार्ट कर दिया है। एंड हैप्पी समर वेकेशन, सब अच्छे अच्छे हॉलीडेज अच्छे अच्छे जाए सबके, है ना। खूब इंजॉय करें सभी बच्चे, खूब मस्तियाँ करें, है ना। सो इंजॉय करो अब आपकी आइसक्रीम। यहाँ पे ये वाले पर्दे से ही, मतलब ये लगवाने के बाद है ना, काफ़ी ठंडा ठंडा रहता है यहाँ पे। धूप नहीं आती तो अच्छा अच्छा सा लगता है, ठंडा रहता है यहाँ पे सब आंगन। अब पहले है ना बिल्कुल हुमस और गर्मी और धूप की वजह से बिल्कुल गर्म गर्म रहता था, और अब ठंडा ठंडा मौसम क्या ठंडा ठंडा रहता है यहाँ पे सब आंगन वांगन। तो एंड अब करते हैं हम किचन का काम। दूध आ गया, दूध को बॉईल करेंगे एंड थोड़े से बर्तन हैं बस हल्के फुल्के से उनको क्लीन करेंगे इनको रख के। एंड मटका मैं रखती हूँ बाहर, मटका मैंने बाहर नहीं रखा है, बाहर रखती हूँ। एंड फिर मैं लगाती हूँ मशीन पे। मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में, मशीन लगा दी है एंड फ्रिज मशीन निकालती हैं कुछ। ये मैंने पैक बनाया था, थोड़ा सा रह गया तो मैंने इसको फ्रिज कर दिया। ये थोड़ा सा दूध है, दूध बचा हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने काफ़ी दिनों बाद बटर निकाला था और आज मैं उसका घी बनाने वाली हूँ। देखिएगा यहाँ पे इसका मैं बनाऊँगी घी। साइड मैंने रख दिया दूध बॉईल करने के लिए और यहाँ एक साइड रख दिया है घी बनने के लिए। घी बनेगा गाइस। आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई पनीर, जिसका मैंने सारा सामान निकाल लिया है। बस इनको फटाफट चॉप करती हूँ सबको। एंड आनियन, टमाटो, ग्रीन चिली, पनीर एंड कैप्सिकम। तो मैं अब इनको फटाफट कट करती हूँ और बनाती हूँ कढ़ाई पनीर। यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन मैंने कर रही है, कुछ मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखो कैप्सिकम और नीचे ऑनियन से ही मैंने कट कर लिए दोनों, और यहाँ पे ये कट कर लिया। टमाटो भी मैं कट करूँगी और साथ मैंने रख लिया कढ़ाई, बिकॉज कढ़ाई पनीर बन रही है तो कढ़ाई में ही बनेगी, है ना बेबी। सो और मैं बनाती हूँ ऑलवेज आयरन वाली कढ़ाई में, अच्छा होता है खाना आयरन वाली कढ़ाई में। सो लेट्स स्टार्ट इट, हम करते स्टार्ट। हम ये भून लेंगे, कैप्सिकम और ऑनियन मैंने इस टाइप से कट की है। तो पहले हम इसको भून लेंगे, फिर हम ग्रेवी रेडी करेंगे। इसको भून के एक बार हम ग्राइंड करेंगे फिर बनाएंगे, ओके। यहाँ पे मैं भून रही हूँ प्याज और टमाटो। टमाटो मैंने बड़े बड़े मिर्च वगैरह कट कर रखे हैं बिकॉज इनको ग्राइंड तो करना है, बस थोड़ा सा भून के मैं इनको ग्राइंड करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने पनीर और ये अनियन कैप्सिकम वगैरह भून लिए हैं। काफ़ी मैंने थोड़े से कच्चे छोड़ दिए और काफ़ी देखो करारे करारे से कर दिए, क्योंकि इनका अलग टेस्ट आता है, इनका अलग टेस्ट आता है, तो मैंने दोनों तरह से कर लिए। सो हम फटाफट बनाते हैं कढ़ाई पनीर। ग्रेवी को देखो ग्राइंड कर लिया अच्छे से, अब मैं बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रेवी को डाल दिया, मैं डालूँगी इसमें थोड़ी सी मलाई डालिए, ज़्यादा नहीं डालिए। मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, देन ये जो मैंने आनियन कैप्सिकम पनीर को सबको भूना था इनको, एंड मैं इसको फिर 5 मिनट तक
गैस पे रखूंगी और फिर हमारी सब्जी बनके है रेडी। मेरी कढ़ाई पनीर बनके है रेडी। ये जिसको खानी आ जाइए, मायरा मॉम लाइफ स्टाइल के घर है ना बेबी। यम्मी यम्मी सब्जी खाने को मिलेगी, कढ़ाई पनीर की चपातियाँ है ना बेबी। हमारे फलूदा पापा, अभी हमने थोड़ी देर पहले तो क्या एंजॉय किया था बेबी पापा को पता नहीं है, और अब क्या ले आए पापा, फलूदा इसमें है, देखते हैं ओपन करके बेबी। दिन है सुहाने, गर्मियों के नहीं छुट्टियों के गर्मियों के भी है ना, गर्मियों में खाए जाते हैं। सो गाइस आप सब भी खाओ। गाइस ये फलूदा नहीं था, ये आइसक्रीम शेक है और ऊपर से आइसक्रीम डाली हुई है। सो एंजॉय।